नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। आ गई फोर्ब्स की लिस्ट, खान सुपरस्टार्स को अक्षय कुमार ने किया चारों खाने चित, बने बॉलीवुड के सबसे ज्यादा कमाऊ एक्टर। वेल, अक्षय कुमार इन दिनों अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं। कुछ दिनों पहले ही उनकी नई फिल्म मिशन मंगल का टीजर रिलीज हुआ, जिसे दर्शकों का मिला जुला रिएक्शन मिला। वहीं अक्षय निर्देशक रोहित शेट्टी की नई फिल्म सूर्यवंशी को लेकर भी खासा चर्चाओं में है। सूर्यवंशी में बहुत ही शानदार एक्शन में नजर आने वाले हैं अक्षय कुमार। और अब इस बीच अक्षय के फैंस के लिए एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जिसे जानने के बाद उनका खुशी से झूमना लाजमी है। दरअसल कुछ वक्त पहले ही फोर्ब्स ने दुनिया भर के हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज की एक लिस्ट जारी की है। अक्षय कुमार ही एकमात्र ऐसे बॉलीवुड एक्टर हैं जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल है। इस लिस्ट में अक्षय का नाम 33वें स्थान पर है। अक्षय के साथ साथ इस लिस्ट में रिहाना, स्कारलेट जॉनसन, क्रिस इवंस, केटी पेरी, ब्रैडली कपूर, जैकी चेन और लेडी गागा जैसे सितारों का नाम शामिल है। बात की जाए पिछले साल की, तो $40.5 मिलियन की कमाई के साथ अक्षय का नाम 76वें नंबर पर था। ऐसे में देखा जाए तो इस साल अक्षय ने 33वां स्थान पाकर लोगों को चौंका दिया है। बात की जाए अक्षय के वर्क फ्रंट की, तो मिशन मंगल और सूर्यवंशी के अलावा वो साउथ की सुपरहिट फिल्म कंचना की ऑफिशियल हिंदी रीमेक लक्ष्मी बॉम्ब में भी नजर आने वाले हैं। अक्षय की मिशन मंगल के टीजर को भले ही दर्शकों का मिला जुला रिस्पॉन्स मिला हो, लेकिन एक वजह के चलते ये सुर्खियों में छाई हुई है। अक्षय की मिशन मंगल को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड हैं। आपको बता दें, अक्षय कुमार ने एक ट्वीट करके बताया कि उन्होंने फिल्म मिशन मंगल अपनी बेटी नितारा के लिए बनाई है, ताकि नितारा के एज के बच्चे मिशन मंगल को बखूबी समझ सकें। ये फिल्म 15 अगस्त 2017 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है और इसी दिन जॉन अब्राहम की बाटला हाउस और प्रभास श्रद्धा कपूर स्टार फिल्म साहो सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। ऐसे में ट्रेड एक्सपर्ट का मानना है कि इस बार 15 अगस्त के दिन बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी भिड़ंत देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये है अक्षय कुमार से जुड़ी एक बड़ी खबर। आपको बता दें, अक्षय कुमार इससे पहले फिल्म केसरी में नजर आए थे। केसरी में भी अक्षय कुमार को बेहद पसंद किया गया। अक्षय कुमार बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जिनके नाम अनगिनत हिट फिल्में हैं और उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कारोबार करती हैं। ऐसे में फोर्ब्स में उनका नाम आना अपने आप में काफी दिलचस्प है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।